नमस्ते राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर सेकंड, जिसमें आप डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट एंड देयर कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़नी है आपको। तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने इंटेगुमेंट सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम की कंपैरेटिव एनाटॉमी और डाइजेस्टिव सिस्टम की कंपैरेटिव एनाटॉमी कंप्लीट कर ली है। वो वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे पहले जाकर देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सबसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपके इस बार चांसेस ज़्यादा हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछे। उसमें से भी कुछ चीज़ें जैसे एयर सैक से आपके शॉर्ट नोट पूछा जा चुका है, ठीक है। और क्वेश्चन मैं आपको और भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से पूछा गया है। रेस्पिरेटरी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन पूछा गया है और इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं उनमें कंपैरेटिव एनाटॉमी पूछी गई है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जनरल चीज़ें जान लेते हैं, फिर हम उनके कंपैरेटिव एनाटॉमी को पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो किस लिए जो आपका सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका क्या फंक्शन है। हम ऑक्सीजन जो ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, ये हमारी अगर ह्यूमन की अगर मैं बात करूँ तो ये अगर ह्यूमन की क्या है, यहाँ पे नोज़ है, ठीक है। ये अगर नोज़ है इस तरीके से, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू नेजल चैम्बर के थ्रू क्या कह लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं और फिर जब सांस बाहर निकालते हैं तो हम ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस का एक्सचेंज। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारी चीज़ों को होने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ग्लाइकोलिसिस के लिए, हर जगह पे क्या होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जरूरी है। और उस एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ है कि पहले फिशेस में कैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम था, क्योंकि वो वाटर में रहती थी। फिर एम्फीबियंस आए जो कि लैंड और वाटर दोनों में आते हैं। फिर रेप्टाइल्स आए, फिर बर्ड्स आई जो कि हवा में उड़ती हैं। फिर मैमल्स आए जो कि क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं मैमल्स, केवल कुछ को छोड़कर, जैसे व्हेल और डॉल्फिन। तो कैसे कैसे इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ, इसको भी जानेंगे। और क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और ये पूरा कई सारे चीज़ों से मिलकर बना होता है, कई सारे पार्ट से। उस पूरे सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है एक्सचेंज करता है बिटवीन ब्लड एंड द सराउंडिंग मीडियम, जिसको कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो अगर एक्सचेंज देखा जाए तो एटमॉस्फियर, यानी कि एटमॉस्फियर का जो एयर है उसको हम अपनी नाक के थ्रू अंदर लेते हैं। फिर हमारे क्या होता है, लंग्स में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आपने ह्यूमन का पढ़ा तो देखा होगा कि वहाँ पर एक्सचेंज होता है। फिर टिश्यू में एक्सचेंज होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डाल दिया जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में किसको डाल दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का मीडियम है, यानी कि वाटर है कि लैंड पे रह रहा है, उस हिसाब से क्या होती है, वर्टिब्रेट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे गिल्स होती हैं एक्वाटिक रेस्पिरेशन के लिए, वाटर में जो एनिमल है उनके लिए क्या होती है, गिल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ आपको दिखाया भी गया है, यहाँ कई तरीके की आपको गिल्स दिखाई गई हैं, एक्सटर्नल गिल्स, ये देख रहे हैं आप बाहर की तरफ गिल्स, ठीक है। कई सारे फिशेस में होती हैं, कई सारे एम्फीबियंस में होती हैं बाहर की तरफ गिल्स का पाया जाना, ठीक है। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल एम्बायोस्टोमा के बारे में आपने पढ़ा होगा एम्फीबियंस में, उसमें आपने थ्री इस तरीके का एनिमल था, थ्री पेयर क्या आपने देखे थे, बाहर गिल्स देखे थे, ठीक है। तो जो भी एनिमल क्या है, वाटर में रह रहे हैं उनमें क्या पाया जाएगा, गिल्स पाया जाएगा, ठीक, गिल्स उनमें पाया ही जाएगा। और लैंड पे रहने वाले वो एयर को रिस्पायर करते तो उनमें लंग पाया जाता है, ठीक है। तो सेम एनिमल के पास गिल और लंग दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा, गिल्स और लंग्स के अलावा भी कुछ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। जैसे जब आप मदर की फीटस में रहते हैं तो यॉर्क सैक और एलेंटॉइस जो है क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। फ्रॉग में अगर आप देखेंगे तो फ्रॉग का स्किन भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है। तो इसके अलावा कुछ एसेसरी ऑर्गन भी पाए जाते हैं। तो हमें पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ना है, मैकेनिज्म पढ़ना है और एसेसरी ऑर्गन भी पढ़ना है किस तरीके से होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करते चलूँ तो ये देख सकते हैं कि कितने टाइप के लार्वा के में एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। ये सारे लार्वा हैं, ठीक है। इलाज्मोब्रांक में किस तरीके से, इलाज्मोब्रांक के लार्वा में, सार्क में, लंग फिशेज जो होती हैं पॉलिप्टेरस, उसमें किस तरीके से बाहर की तरफ क्या पाई जा रही हैं, गिल्स पाई जा रही है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो लंग्स का भी इन्वॉल्वमेंट आप देखेंगे किस तरीके से है। रेप्टाइल्स का लंग थोड़ा यहाँ पे देखेंगे आप, इनका लंग्स थोड़ा अलग है, ठीक है।
वहीं पे एम्फीबिया अगर देखेंगे तो उनके लंग में थोड़ा डिफरेंस है, मैमल में अलग है, बर्ड का लंग तो बिल्कुल ही अलग है, और इसमें एयर सैक पाए जा रहे हैं क्योंकि इनको हवा में उड़ते हुए क्या करना होता है, रिस्पायर करना होता है, इस वजह से इनमें एयर सैक लगा होता है, इनकी बोन्स न्यूमेटिक होती है क्योंकि इनको हवा में उड़ना होता है। अभी आप इन सब चीज़ों को समझेंगे एक एक करके, ठीक। तो अगर बात की जाए, एक नॉर्मल प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से आप इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स बताया गया है यहाँ पे, ठीक, वो सब आप देखेंगे। चलिए हाँ, क्वेश्चन देख लें। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन नेसेसरी ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये आपकी उसमें क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। इस बार चांसेस है कि गिव कंपैरेटिव अकाउंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का पूछ ले, ठीक है। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछा था तो इस बार रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ और एसेसरी होते हैं जैसे एयर ब्लैडर के बारे में, लार्वल गिल, स्यूडोब्रैंक, स्विम ब्लैडर्स, इन सब पे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने एक आपसे वो बताया कि प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने की। अब हम देखते हैं उनके कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में। कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम फिश, बर्ड्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि किसमें किस टाइप का रेस्पिरेशन पाया जाता है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अगर फिशेस में बात की जाए तो ये एक्वाटिक होता है क्योंकि ये परमानेंटली वाटर में रहते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर एम्फीबियंस की बात की जाए तो ये दोनों पे रहते हैं, तो इनमें लंग्स भी पाया जाता है और इनमें गिल भी पाया जाता है, और इसके अलावा एम्फीबियन में अगर फ्रॉग को देखा जाए तो उनमें स्किन यानी कि एसेसरी ग्लैंड भी पाया जाता है, ठीक है। लिजर्ड क्या होता है, लिजर्ड्स एरियल होते हैं, मतलब हवा में सांस लेते हैं, तो ये परमानेंटली लैंड पे रहते हैं और एयर में भी ब्रीथ करते हैं, तो ऐसे एनिमल को एरियल कहा जाता है। पिजन भी आपका एरियल है, और इनमें लेकिन इनमें कैसी ब्रीदिंग होती है, पल्मोनरी ब्रीदिंग होती है, यानी कि लंग्स पाए जाते हैं इस तरीके से, इनमें लंग्स पाए जाते हैं, लेकिन इनके लंग्स के क्या से क्या होती है, इस तरीके से एयर सैक्स अटैच होती हैं जो इनको हेल्प करती हैं एयर में ब्रीद करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ब्रीदिंग कैसी है, पल्मोनरी ब्रीदिंग है। लिजर्ड में भी एरियल है लेकिन यहाँ ब्रीदिंग पल्मोनरी नहीं है, ठीक। रैबिट भी क्या करता है, रैबिट भी एरियल और पल्मोनरी ब्रीदिंग करता है, टेरेस्ट्रियल होता है, ये भी एयर में ब्रीद करता है, ठीक है। तो बाकी तीनों एरियल हैं, और कुछ आपके एम्फीबियंस भी एरियल हैं, लेकिन आपका फिश जो है वो परमानेंटली एक्वाटिक है और पानी में ही ब्रीद करता है। अब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करेंगे कि क्या क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। तो पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करेंगे, अगर बात कर ले हम फिश की तो इसमें क्या क्या पाया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, माउथ, ठीक है, क्योंकि नोज आपकी माउथ में है, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इंटरनल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, गिल पाउचेस पाए जाते हैं, एक्सटर्नल गिल स्लिट, इंटरनल और एक्सटर्नल गिल स्लिट दोनों पाए जाती हैं, इंटरनल नियर्स पाए जाते हैं, ग्लॉटिस, लैरिंगो ट्रैंकियल चैम्बर एब्सेंट होता है यहाँ पे। वहीं अगर हम एम्फीबियंस की बात कर ले तो एम्फीबियंस में क्या होता है, इनमें एक्सटर्नल नियर्स होते हैं, नेजल चैम्बर होते हैं, इंटरनल नियर्स होते हैं, बक्को फेरिंजियल कैविटी होती है, ग्लॉटिस होता है, लैरिंजो ट्राइकियल चैम्बर होता है, गिल स्लिट और गिल पाउचेज यहाँ एब्सेंट होती है जो कि फिशेज में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे लैरिंगो ट्राइकियल चैम्बर प्रेजेंट होती है जो कि फिशेज में एब्सेंट होती है। अगर मैं लिजर्ड की बात करूँ तो लिजर्ड में क्या होता है, इनमें एक्सटर्नल लेयर्स पाई जाती हैं, नेजल सैक होते हैं, इंटरनल लेयर, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ग्लॉटिस, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। अब यहाँ पे एक चीज़ आ गई, ब्रोंकाई, अभी तक यहाँ पे ब्रोंकाई नहीं था, रेप्टाइल्स में ब्रोंकाई आ गई, गिल स्लिट एंड गिल प्लाउचेस यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। सेम एज अ लिजर्ड आपके पिजन में भी पाया जाता है। अगर बात की जाए रैबिट की तो रैबिट में क्या होता है, सेम पार्ट होता है लिजर्ड लिजर्ड की तरह या पिजन की तरह, ठीक, इन तीनों में सेम होता है, तो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके से पासेज ऑफ वाटर और एयर होता है, ठीक है। जैसे अगर डॉग फिश है तो उसमें एयर होगा, उसमें वाटर होगा और बाकी सब में एयर होगा, तो वो कैसे पास होता है उसको देखेंगे, ठीक है। वाटर जो है इनमें किसके थ्रू इंटर करता है, माउथ के थ्रू, और बाहर कैसे निकलता है, गिल स्लिट के थ्रू, ठीक है। माउथ के थ्रू अंदर किया और गिल स्लिट के थ्रू बाहर निकल जाता है। फ्रॉग की बात करें तो यहाँ पे एयर जो है इनमें क्या पाई जाती है, फ्रॉग आपने देखा होगा एक्सटर्नल लेयर्स पाई जाती हैं, उसके थ्रू एंटर करता है
माउथ नहीं इसमें एंट्री में यूज होती है एयर के, ठीक है, एक्सटर्नल लेयर के थ्रू एंटर होता है। लिजर्ड की बात करें तो एयर जो है एंटर्स एंड लीव्स थ्रू एक्सटर्नल लेयर्स, जैसे हमारे में नोज के थ्रू जाता है वैसे ही सेम क्या होता है निकल जाता है। यही तीनों सेम प्रोसेस आपके लिजर्ड में, पिजन में और रैबिट तीनों में चलता है। क्या होगा, बाहर नाक जो है नोज से एक्सटर्नल लेयर्स अगर ऐसे है यहाँ पे, ऐसे है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सटर्नल लेयर्स पाई जाएगी, इसी के थ्रू अंदर जाएगा और ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, मतलब ऑक्सीजन अंदर CO2 बाहर ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तीनों में सेम तरीके का होता है, माउथ का यूज़ नहीं होता है, एक एक्सटर्नल लेयर प्रेजेंट होती है। अब एक्सटर्नल लेयर क्या होता है, ठीक है, उसको जानेंगे। एक्सटर्नल लेयर होता है आपका जो फिसेस होती है, वैसे इनमें इसका यूज़ होता नहीं है, लेकिन ये वेंट्रल साइड में क्रिसेंटिक अपर्चर होती हैं जो कि ईच डिवाइडेड बाई स्किन फ्लैप, एक इधर इधर स्किन फ्लैप के द्वारा इस तरीके से डिवाइडेड होती है। एक्सक्लूसिवली मतलब ऑलफैक्ट्री होती है, देखने आपकी स्मेल के लिए यूज़ की जाती है। एक्सक्लूसिवली ऑलफैक्ट्री का मतलब कोई भी चीज़ अगर एक्सक्लूसिव है तो आप सब क्या सुनते होंगे, आप सबने न्यूज़ चैनल पे सुना होगा एंकर क्या बोलती है कि ये आप आज की सबसे एक्सक्लूसिव न्यूज़ जो आपको सिर्फ हमारे चैनल पे दिखाई जा रही है, मतलब वो उसी का रहेगा, उस सेम चीज़ के लिए, एक ही चीज़ के लिए बना रहेगा। तो यहाँ पे इसका यूज़ क्या है, यहाँ पे इसका यूज़ है स्मेल का, ठीक है, रेस्पिरेशन में कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। जबकि आपके मतलब उसमें फ्रॉग में क्या होती है, डॉर्सल ऑन टिप ऑफ स्नाउट, डॉर्सल साइड में स्नाउट होती है उसकी, टिप पे होती है, छोटी सी सर्कुलर अपर्चर होती है, कोई वॉल्व वगैरह नहीं पाया जाता है, रेस्पिरेशन में यूज होती है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें लिजर्ड में डॉर्सल होती है ऑन टिप ऑफ स्नाउट, यहाँ भी पाई जाती है, स्मॉल छोटी सी अपर्चर होती है, ऑल्फैक्ट्री और रेस्पिरेशन दोनों के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। आप देखेंगे पिजन में तो डॉर्सल होती है, अपर बीक पे पाई जाती है, नैरो स्लिट लाइक होती है, वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेंसिटिव स्किन से कवर होती है, रेस्पिरेशन के लिए यूज़ की जाती है, ठीक, स्मेल के लिए यूज़ नहीं की जाती है। और हम लोग की सॉरी मैं इसकी रैबिट की डॉर्सल होती है माउथ में अबव के टाइप पे, आप सबने जरूर देखा होगा रैबिट, लार्ज ओवल ओपनिंग होती है, कोई वॉल्व नहीं पाई जाती है, ऑल्फैक्ट्री का काम यानी कि स्मेल का काम एज वेल एज रेस्पिरेशन दोनों का काम करती है। देन आता है आपका नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर क्या होता है, सेपरेट लार्ज फोल्ड्स, सेपरेट लार्ज विथ फोल्ड बट विदाउट टर्मिनल्स, इंटरनल लेयर्स ओपनिंग इनटू माउथ एब्सेंट, ठीक है। ये क्या होता है नेजल चैम्बर, मान लीजिए ये नोज है आपकी ऐसे, तो ये पीछे की तरफ एक चैम्बर में खुलती है जो फिसेस में क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं, लंबी सी होती हैं, कोई टर्बाइनस नहीं पाए जाते हैं, इसकी ओपनिंग फिसेस में माउथ में नहीं होती है, ठीक है। अगर बात की जाए फ्रॉग की तो सेपरेट स्मॉल होता है विदाउट टर्बिनस, ये भी होता है, बक्कल कैविटी की रूफ में जाके खिलता है, ठीक है। लिजर्ड में क्या होता है सेपरेट होता है स्मॉल, इसमें विदाउट टर्मिनल, एंटीरियरली क्या होता है बक्कल कैविटी की रूफ पे जाके खुलता है, ठीक है, दो इंटरनल लेयर्स जाके खुलते हैं। पिजन में सेपरेट होता है स्मॉल होता है विदाउट टर्मिनल्स, इसमें भी होता है, और फेरिंजियल फेरिंग्स में जाके ये खुलता है, ठीक है। कहाँ पे फेरिंग्स में, अभी तक बक्कल कैविटी की रूफ में या बक्कल कैविटी में जाके खुल रहा था, ठीक है, और यहाँ पे क्या करता है फेरिंग्स में खुलता है। हम लोगों का लैरिंगो फेरिंग्स पे जाके सिंगल इंटरनल नेयर होता है, सिंगल याद रखिएगा सिंगल, यहाँ सब अभी तक टू नेयर्स था। और हमारे में क्या होती है टर्मिनल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक, सॉरी उसमें रैबिट में ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस ये फिस में एबसेंट होता है, ठीक है। ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस के बारे में बताया गया था, बाकी सब जगह पे वैसे एबसेंट ही होता है, ये कुछ कुछ मॉडिफिकेशन पाई जाती हैं, ये केवल और क्लेवर जो है ग्लॉटिस जो है इसको मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था। तो ये फ्लोर ऑफ फेरिंग्स में क्या होता है इनमें फ्रॉग में प्रेजेंट होता है, मेडियन स्लिट ग्लॉटिस उस पर फेरिंग्स की फ्लोर पे यहाँ भी प्रेजेंट होता है और यहाँ पे भी फ्लोर ऑफ फेरिंग्स पे प्रेजेंट होता है पिजन में, लेकिन हमारे में क्या होती है ग्लॉटिस जो है लैरिंग्स के पास पाई जाती है और एक बाईलोब्ड कार्टिलेजिनस फ्लैट जिसको कि एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो हमारी विंड पाइप होती है या जो हमारे जहाँ से हमारा फूड जाता है वहाँ पे पाई जाती है, जो इसको क्या करती है प्रोटेक्ट करने का काम करती है कि फूड के वजह टाइम पे फूड जाए और जब हम लोग सांस लेते हैं बोलते हैं तो उस टाइम पे बोले, ठीक है।
लैरिंग्स एंड ट्रैकिया की बात करें तो लैरिंग्स क्या होता है, आपके एब्सेंट होता है फिसेस में, ठीक है। फ्यूज्ड फॉर्मिंग लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर कंटेनिंग वोकल कॉर्ड्स थायराइड कार्टिलेज यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। लैरिंग्स एंड ट्रैकियल सेपरेट होते हैं, वोकल कॉर्ड्स और थायराइड कार्टिलेज एब्सेंट होते हैं आपके उसमें लिजर्ड में। बर्ड की बात कीजिए तो लैरिंग्स और ट्रैकिया इनमें सेपरेट होते हैं, लैरिंग्स में कोई वोकल कॉर्ड नहीं पाया जाता है ना ही थायराइड कार्टिलेज पाया जाता है। और रैबिट में लैरिंग्स एंड ट्रैकिया सेपरेट होते हैं, लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं और थायराइड कार्टिलेज भी पाए जाते हैं। एक वर्ड आता है साइरिंग्स, साइरिंग्स हर जगह पे एब्सेंट है, केवल और केवल ये कहाँ प्रेजेंट है, बर्ड्स में। लोअर एंड पे ट्रैकिया के प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया जो है आपका उसके लोअर एंड पे ये प्रेजेंट होगा और ये जो है वॉइस प्रोडक्शन के लिए, साउंड के प्रोडक्शन के लिए क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आप कोयल की आवाज़ और क्रो की आवाज़ सुनते हैं तो उसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साइरिंग्स केवल और केवल पिजन्स में क्या है, बर्ड्स में प्रेजेंट है, ठीक। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या है इसको देखेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं फिशेस में यानी कि डॉग फिश में ओनली गिल प्रेजेंट फॉर एक्वाटिक रेस्पिरेशन, ठीक है। फ्रॉग में गिल प्रेजेंट, टेडपोल लार्वा में क्या होते हैं, एक्वाटिक रेस्पिरेशन के लिए इनका लार्वा पानी में रहता है तो वो गिल्स प्रेजेंट रहते हैं। एडल्ट में क्या होती है, लंग्स हो जाती है एरियल रेस्पिरेशन के लिए। लिजर्ड में गिल्स एब्सेंट होती हैं, केवल लंग प्रेजेंट होते हैं। बर्ड पिजन में भी गिल एब्सेंट होती है, केवल लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और रैबिट में भी क्या होते हैं, गिल्स एब्सेंट होती हैं, लंग प्रेजेंट होते हैं एडल्ट में, ठीक। अब गिल्स और गिल्स क्लेफ्ट की बात की जाए तो फिशेस में यानी कि स्कॉलियोडॉन में 5 pair ऑफ फेरिंजियल गिल पाउचेस पाई जाती हैं जिसमें 5 pair ऑफ लैमेलीफॉर्म क्या होती हैं, गिल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फ्रॉग में टेडपोल लार्वा में डेवलप होता है 5 pair और गिल प्लाउचेज जिसमें 4 pair गिल क्लेफ्ट्स होती हैं। 3 pair ऑफ फिलामेंटस एक्सटर्नल गिल्स भी इसमें पाई जाती है रेस्पिरेशन के लिए। गिल बिकम जो गिल्स होती हैं वो बाद में क्या होती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं जब मेटामॉर्फोसिस होकर वो एडल्ट में चेंज हो जाता है, तो ये जब लार्वल स्टेज में रहती है तो पाया जाता है, ठीक। एम्ब्रियो लिजर्ड की बात की जाए तो इम्ब्रियो में फेरिंजियल पाउचेस आपको देखने को मिलेंगी, बाद में गिल स्लिट्स यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है यानी कि गायब हो जाती हैं। पिजन में क्या होता है, टेम्परेली इम्ब्रियो में 4 pair ऑफ फेरिंजियल गिल पाउचेस आपको देखने की मिलेंगी जिसमें 3 pair ऑफ गिल स्लिट्स इम्ब्रियो में, ठीक। इम्ब्रियो में भी हम रैबिट के भी 4 pair ऑफ गिल पाउचेस देखने को मिलती हैं जिसके में गिल स्लिट नहीं बनती, बाद में ये लंग्स डेवलप हो जाते हैं इनमें तो गिल पाउच गायब हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं गिल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कई सारे एनिमल का आपको आउटर गिल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें सैलामेंडर में तो आपको ऑपरकुलर फोल्ड भी देखने को मिल जाएगा, 3 external gill एक्सटर्नल गिल यहाँ पे भी एक्सटर्नल गिल लंग फिशेस में, ठीक है। यूरोडेला में, सैलामेंडर में, फ्रॉग में 3 external gill, तो इस तरीके से गिल्स होती हैं, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल गिल की बात करें तो ये देखिए इंटरनल गिल्स कुछ इस तरीके आपको यहाँ दिख रही हैं और एक्सटर्नल गिल्स कुछ इस तरीके के आपको यहाँ दिख रही होंगे, ठीक है। यही चीज़ जब कवर्ड होती है, अंदर की तरफ होती है, दैट इज़ इंटरनल, और यहाँ पे कवरिंग नहीं है तो ये क्या हो गई, एक्सटर्नल, ठीक है। अब हम बात करेंगे लंग्स की, ठीक है। हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, लंग्स की बात करेंगे। फिश हमने गिल्स देख लिया, गिल्स पे आपसे शॉर्ट नोट पूछ सकता है, तो गिल्स हमने देख लिया। तो गिल्स लंग्स की बात करें तो फिशेस में क्या, डॉग फिश में क्या होती है, एब्सेंट होती है आपकी, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लैंड पे पाए जाने वालों में ही आपके लंग्स पाए जा रहे हैं और यहाँ पे कोई एज सच ज़रूरत है नहीं, ठीक है। फ्रॉग की बात की जाए तो 2 lungs होते हैं, ओवॉइड शेप के होते हैं, थिन वॉल्ड इलास्टिक हॉलो सैक, पिंकिश कलर के होते हैं, सस्पेंडेड फ्रीली होते हैं, पेरिटोनियल कैविटी पाई जाती है, इनमें कोई लोब्स नहीं पाए जाते हैं। अभी आप रैबिट में लोब्स देखेंगे, इनमें कोई लोब्स वगैरह नहीं पाए जाएंगे, 2 lung सिंपल सी 2 lung ऐसे आपने ऊपर मैंने आपको दिखाया भी इस तरीके से पाए जाएंगे, ठीक है। कलर वलर यहाँ पे पिंक कलर के होते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं, किसी चीज़ से अटैच नहीं होंगे। लिजर्ड में क्या होता है, 2 lungs होते हैं, इलांगेटेड होते हैं, फ्यूजी फॉर्म होते हैं, थिन वॉल्ड इलास्टिक हॉलो सैक होता है, ऑरेंज कलर के होते हैं,
थोरेसिक कैविटी में पाए जाएंगे। ये क्या है, ये फ्रीली सस्पेंडेड है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये रही थोरेसिक कैविटी, जैसे मैमल्स में भी आप ह्यूमन में देखते हैं थोरेसिक कैविटी पाई जाती है, जिसमें स्टर्नम रिब्स पूरी अटैच होती है, तो इससे इस तरीके से ये अटैच होंगी, फ्यूज होंगी। ठीक है, पिजन की बात की जाए तो पिजन में क्या होते हैं, टू लंग्स होते हैं, छोटे छोटे कम्पैक्ट होते हैं, ब्राइट रेड कलर के होते हैं, डॉर्सली थोरेसिक वर्टिब्री से और रिब्स से अटैच होते हैं, इनमें भी कोई लोब नहीं होता है। ठीक, इनके लंग्स में, इनकी लंग्स में पाई जाती है एयर सैक, अब जो आप आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे भी। रैबिट में टू लंग्स होते हैं, लार्ज सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, मतलब स्पॉन्ज आप सबने देखा होगा ऐसे छूने पे जो स्पॉन्ज दबता है। ठीक है, प्लूरल कैविटी ऑफ थोरेक्स में इस तरीके से मस्त थोरेक्स पाया जाता है, जहाँ पे आपको यहाँ इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये स्टर्नम है आगे की तरफ, दूसरा कलर में चेंज कर दूँ तो पीछे की तरफ ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, तो आगे आपकी रिब्स पाई जाती हैं, आगे से ऐसे अटैच होती हैं। ठीक है, आगे से ऐसे स्टर्नम से अटैच होती हैं और ये पीछे की तरफ जाके ऐसे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, पीछे की तरफ जाके वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं। ठीक है, इस तरीके से ऐसे। ठीक है, राइट लंग जो होता है वो फोर लोब से मिलकर बना होता है, मतलब अगर आपका ये राइट वाला लंग है, ठीक है, तो उसमें इस तरीके से फोर लोब्स पाई जाएंगी। ठीक, और लेफ्ट वाला लंग अगर इस तरीके से है तो उसमें क्या होंगी, दो लोब इस तरीके से पाई जाएंगी। ठीक है, और ये बाहर की तरफ पूरी इनकी एक कैविटी पाई जाती है, अगर मैं इस तरीके से कलर चेंज करूँ, ऐसे ऐसे पूरी कैविटी पाई जाती है जिसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। ठीक है, पेरिटोनियम कैविटी की बात करें तो ये फिसेस में क्या होती हैं, एब्सेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके लिजर फ्रॉग में ये इंक्लूड, यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी में बंद होता है। ठीक है, आपके अरे लिजर्ड में भी ये पेरिटोनियल कैविटी से बंद होता है, लेकिन यहाँ पे आपके बर्ड्स में यानी कि पिजन में ये पेरिटोनियल कैविटी के द्वारा कवर नहीं होता है, और रैबिट में भी पेरिटोनियल कैविटी के द्वारा कवर्ड होता है। एल्वियोली की बात करें, एल्वियोली अगर आपने ह्यूमन लंग में, मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अगर ये आपका ह्यूमन लंग है, ऐसे 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 इस तरीके से, ठीक है, ये ह्यूमन लंग है, तो ये हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोस इस तरीके से छोटी छोटी एल्वियोलाई बनाती हैं, इसी से गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये जो एल्वियोली है फिसेस में एब्सेंट होती है क्योंकि वहाँ पे लंग्स ही नहीं पाया जाता है। एल्वियोली कहती हैं सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं, जितनी ज़्यादा एल्वियोली होगी ना उतना ज़्यादा सरफेस एरिया मतलब जगह मिलेगा गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो ये इसमें आपकी पाई जाती हैं सॉरी फ्रॉग में। ठीक है, इनर सेप्टा एंड लो एल्वियोली शैलो सेंट्रल कैविटी स्मॉलर, यहाँ पे कुछ कम पाई जाती है। ठीक है, आपके लिजर्ड में अगर बात की जाए बर्ड पिजन की तो लंग विदाउट एल्वियोली होते हैं, बट विथ एन इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ रेमिफाइंग एंड एंटागोनिसिंग एयर कैपिलरीज, इसमें लंग वो तो नहीं पाई जा रही एल्वियोली, लेकिन कुछ रेमिफाइंग मतलब छोटी छोटी कैपिलरीज पाई जाती हैं एयर के लिए। ठीक है, अभी आप इसमें एक ऐसी चीज पाई जाएगी जो और सब जगहों पर एबसेंट होगी, उसको देखेंगे आप। ठीक है, हम रैबिट की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, इस ब्रांकियोस पाई जाती है छोटी छोटी ग्रेप लाइक, मैंने आपको दिखाया भी इस तरीके से गुच्छे में पाई जाएंगी इस तरीके से, और ये क्या करते हैं सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि खूब अच्छे से गैसियस एक्सचेंज हो सके, मतलब ऑक्सीजन अंदर CO2 बाहर। ठीक है, हाईली वैस्कुलर होती हैं, वैस्कुलर होती हैं मतलब आपकी कैपिलरीज जो होंगी उनसे सराउंडेड होंगी, ब्लड की कैपिलरीज से सराउंडेड होती हैं वैस्कुलर सिस्टम से। एयर सैक सब में एब्सेंट होता है, केवल और केवल पिजन में प्रेजेंट होता है, बर्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लार्ज थिन वॉल्ड होती हैं, इलास्टिक मतलब जितना फैलाएंगे जितना भी हवा डालते जाइए गुब्बारे में, गुब्बारा क्या होता है इलास्टिक होता है, भरते जाइए उस तरीके की होती हैं। नॉन वैस्कुलर होती हैं, इनके सराउंडिंग में मान लीजिए ये रहा आपका गुब्बारा मतलब ये रहा एयर सैक, तो हम लोगों में क्या था कि जो ब्रोंकियोस था जो एल्वियोली थी उसके साइड में इस तरीके से कैपिलरीज पाई जा रही थी, ये वेंस आई, वेंस टूट के क्या बना दी कैपिलरीज बना दी, यहाँ पे ऐसा कुछ वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता। ठीक है, कनेक्टेड होती हैं लंग से जो उसको हवा में उड़ते वक्त रेस्पायर करने में हेल्प करती हैं। ठीक, बक्को फेरिंजियल रेस्पिरेशन की बात करें तो एब्सेंट आपके फिस में एब्सेंट, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होंगी जो लंग से रिलेटेड होंगी।
फ्रॉग में एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है हाईली वेस्कुलर होती है, जिसकी वजह से एपिथेलियल लाइन, मतलब मान लीजिए ये इनकी एपिथेलिया है, लंग्स की एपिथेलिया, उसकी लाइनिंग हाईली वेस्कुलर होती है, मतलब यहाँ ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे तो यहाँ पर रेस्पिरेशन अच्छे से होगा, क्योंकि जहाँ भी ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे वही एक्सचेंज का काम करेंगे, ब्लड में ही आपका ऑक्सीजन रहेगा और CO2 रहेगा, तो एक्सचेंज का काम वही करेंगे, तो ये हाईली वेस्कुलर होते हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और बाकी सब जगहों पे एब्सेंट होता है, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हर जगह पे एब्सेंट होता है, केवल और केवल फ्रॉग में प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसकी स्किन जो होती है वहाँ पे वेस्कुलर स्किन होती है। मान लीजिए ये आपका फ्रॉग है, ऐसा सा आपका फ्रॉग है, ठीक है, ऐसा सा, तो इनकी स्किन पे वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, मतलब यहाँ ऊपर ही सिंपल डिफ्यूज़न, ऐसे ब्लड की कैपिलरीज हैं तो यहीं पे स्किन भी क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा और CO2 को बाहर छोड़ देगा, इसका मतलब ये है, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आपको बताया भी कि फ्रॉग की स्किन का लंग्स कैसे होता है, इसमें भी क्या है एल्विओली पाए जा रही है, यहाँ भी एल्विओली पाए जा रही है, बर्ड्स में देखिए एल्विओली नहीं प्रेजेंट है, इस तरीके से ये छोटे छोटे एयर सैक्स प्रेजेंट है, हाईली वेस्कुलर है। अगर बर्ड के एयर सैक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं किस तरीके से ये हैं, ठीक है, ये आपकी लंग है, ये लंग है, ठीक है, ये वाली लंग है, लंग से अटैच क्या है, एयर सैक्स हैं, ठीक है, एयर सैक लगी हुई हैं पूरी लंग से अटैच, एयर कैपिलरीज इस इधर के साइड साइड में कोई, यहाँ पे बस कैपिलरीज हैं, यहाँ कोई कैपिलरीज नहीं है, तो यहाँ पे ये गुब्बारे की तरह देख रहे हैं, इसमें आप पूरा ऑक्सीजन आके भर जाता है, जिसकी वजह से जो एयर में उड़ते हुए भी आपकी जो बर्ड है वो अच्छे से रेस्पिरेशन कर पाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको और दिखाया जा सकता है कि किस तरीके से एयर लंग का डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट वर्टिब्रेट लंग का, लंग जो है प्राइमोडियम यानी कि जो उसमें शुरुआत कैसी होती है, ऐसी कुछ दिखती है फेरिंग्स, और ये लंग का प्राइमोडियम है, ठीक है। BNC में देखा जाए लंग बर्ड्स बनते हैं, ये आपका प्राइमोडियम, तो इसमें ग्लॉटिस और ट्रैकिया का फॉर्मेशन, लंग बर्ड इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। फिर एम्ब्रियोनिक लंग कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, जिसमें आपके प्रोस्पेक्टिव लोब्स दिखते हैं, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट थोड़ा दिखने लगता है, और फुल्ली लंग बर्थ के टाइम पे इस तरीके का दिखता है। ये आपकी वर्टिब्रेट लंग की बात बताई गई है, जिसमें ये देख रहे हैं एल्विओली, ये पूरी एल्विओली है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा रही है बाहर की तरफ, ये प्लूरल पेरिटोनियल कैविटी है जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। ये एल्विओली यहाँ पे अंदर की तरफ आपको छोटी सी दिख रही होगी, यहीं से एक्सचेंज होता है, जो कि ये सरफेस एरिया बढ़ाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस का एक्सचेंज हो सके। अगर आपसे लंग बनाने को भी पूछे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटोप्टेरस नेक्टूरस का, साइरेन का, स्फिनोडॉन का, ठीक है, और ये कैमेलियन का दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये फ्रॉग का, नेट्रिक्स का, टर्टल का, इस तरीके से कुछ एनिमल का आपको दिया गया है, ठीक। अब हम बात करेंगे एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। तो जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो आपने पढ़ा लंग्स के माध्यम से, लंग्स के थ्रू और गिल्स के थ्रू होता है, इनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपने कहा, ठीक। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, जिनको हम एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। वो क्या होते हैं, जिसमें से हम पहला पढ़ेंगे आपका यॉर्क सैक एंड एलेंटॉइस। यॉर्क सैक क्या होता है, अंडे को आपने खाया होगा, अंडे में ओवल अंडा होता है, गोल में बना नहीं सकती, ओवल अंडा होता है, उसके अंदर ये जो पीला वाला पार्ट होता है, ठीक है, येलो पार्ट ऑफ अंडा, दिस इज यॉर्क सैक। ये और एलेंटॉइस, अगर आपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो एमनियन, कोरियन, यॉर्क सैक एंड एलेंटॉइस चार पार्ट होते हैं, जिसमें से यॉर्क सैक और एलेंटॉइस किसकी तरह वर्क करते हैं, इससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। प्लासेंटा क्या करता है, फूड को ले जाने वगैरह का काम करता है, उसी तरीके से यॉर्क सैक एंड एलेंटॉइस इज वर्किंग एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो इससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, तो आप दोनों चीज़ें ध्यान में रखिए, ठीक है। अगर बात की जाए यॉर्क सैक एंड एलेंटॉइस की, तो ये दोनों क्या हैं, प्रैक्टिकली ऑल एम्ब्रियोनिक वर्टिब्रेट जो होते हैं यॉर्क सैक को एज अ वेटलाइन सर्कुलेशन गैसियस एक्सचेंज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, इसी से फूड को लेते हैं और इसी से ये रेस्पिरेशन भी करते हैं। यॉर्क सैक जो होता है डॉगफिश एम्ब्रियो में, एंड यॉर्क सैक प्लासेंटा ऑफ मार्सुपियल्स, ठीक है, यॉर्क सैक जो होता है डॉगफिश की एम्ब्रियो में और मार्सुपियल में, प्लासेंटा में होता है, कॉन्टैक्ट करते हैं यूटेराइन वॉल से, ठीक है, ये रहा आपका आपका यूटरस की वॉल, यहाँ पे इस तरीके से प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है, मदर की
से जो भी चीज़ें हैं इसी से क्या होती हैं, क्रॉस करती हैं, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी डिवाइस की तरह काम करता है, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का काम करता है। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल में एलेंटॉइस एंड एलेंटॉइक अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको कहते हैं, ये क्या करता है, टेम्परेरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है। सेकेंड की बात करें स्किन, तो एम्फीबियंस में आप सबको पता है फ्रॉग मैंने बताया ही, स्किन जो है फ्रॉग की स्किन किसकी तरह वर्क करती है, कॉमन मॉइस्ट होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, यानी कि ब्लड की कैपिलरीज, ब्लड की आर्टरी वेन उस ऊपर ही फ्लो होती हैं, तो ये अच्छे तरीके से एक्सचेंज कर लेती है। अब आप अपना मत कहिएगा क्योंकि हमारी स्किन जो है बहुत थिक होती है, ठीक है, यहाँ से आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, तभी स्वेट वगैरह निकलता है। लेकिन उनकी अभी कभी आप मेडक को उठा के देखिएगा, बहुत पतली सी स्किन होती है, ठीक है। लंगलेस सेलामांडर हो गए, प्लीथोडोंट्स हो गए, ये रिलाई करते हैं इंटायरली स्किन रेस्पिरेशन पे ही, इतनी ज़्यादा इनमें लंग नहीं पाया जाता है, तो ये पूरा रेस्पिरेशन, इनका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ही स्किन के थ्रू होता है, ठीक है। लंग लाइनिंग एपिथीलियम, लाइनिंग एपिथीलियम अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि कुछ फिशेज में, एक्वाटिक एम्फीबियंस में लाइनिंग पाई जाती है, क्लोआका के, मान लीजिए क्लोआका है, क्लोआका आप जान ही रहे, मैंने बताया था, रेक्टम, सीकम रेक्टम बताया, बक्कोफेरिंजियल एपिथेलियल है, ये सब हाईली वेस्कुलर होती हैं, तो ये भी कभी कभी रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। अगर मान लीजिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो आपकी बक्कल लाइनिंग ऑफ क्लोआका, कुछ फिशेज की और एक्वाटिक एम्फीबियंस की, क्लोआका, रेक्टम और बक्कोफेरिंजियल एपिथीलियल, बक्कल कैविटी, उस फेरेंजियल कैविटी जो आपस में मिलकर जॉइंट होती है, और उनकी मान लीजिए इस तरीके से बना, और इनकी अंदर की लाइनिंग इस तरीके से है, एपिथीलियल की लाइनिंग पाई जा रही है। एपिथीलियम टिश्यू आप सबको पता ही है, वो किसकी तरह वर्क करने लगी, हाईली वेस्कुलर होगी, मतलब ब्लड वेसल्स इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, वो भी क्या करेगा, किसकी तरह वर्क करने लगेगा, एज अ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह। क्लोआका, क्लोआकाई ब्लैडर्स, क्लोआकाई ब्लैडर्स जो हैं ये भी क्या करते हैं, किसकी तरह वर्क करते हैं, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कुछ एक्वाटिक टर्टल्स होते हैं, ए पेयर ऑफ थिन वॉल्ड लेटरली एंड ग्रेटली वेस्कुलर, वेस्कुलर जहाँ भी होगा मतलब वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज पाई जा रही हैं, वहाँ पे आर्टरी और वेन पाई जा रही हैं। क्लोआकाई ब्लैडर्स होती हैं कॉन्टिन्यूली जो होती हैं, वो कॉन्टिन्यूस तरीके से फिल्ड और एम्पटी होती हैं वाटर के थ्रू, मतलब वाटर उनमें आता है और निकलता रहता है। एसेसरी ब्लैडर्स जो होती हैं कभी कभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करती हैं, जब स्पेशली ड्यूरिंग, जब ये जो टर्टल्स हैं एक्वाटिक टर्टल्स हैं वो काफ़ी टाइम के लिए पानी के अंदर क्या होते हैं, चले जाते हैं, सबमर्जेंस यानी कि जलमग्न हो जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, उस टाइम पे ये क्लोआकल ब्लैडर्स जो होती हैं उनमें पानी भरता है और बाहर निकलता है, तो वो हाईली वेस्कुलराइज होती हैं, तो पानी से ऑक्सीजन को ले लेती हैं और CO2 को निकाल देती हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का, एनाबास में आपको दिख रहा होगा, एयर चैम्बर, यहाँ पे एयर चैम्बर पाया जा रहा है, ठीक है। ये आपको एक दिख रहा होगा किसका डायग्राम एसेसरी ऑर्गन का, ब्रैंकियल चैम्बर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से ये पाए जाते हैं, ठीक है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन अभी आप पढ़ेंगे ही। फेरेंजियल डाइवर्टिकुला भी किसकी तरह वर्क करता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह फेरेंजियल डाइवर्टिकुला भी वर्क करता है। वेस्कुलर पोस्टीरियर एक्सटेंशन होता है फेरिंग्स का, किसमें, पेरियोथैलेमस, एम्फीनस और चन्ना, चन्ना एक मछली होती है जिसको ऑफ्यूसीफेलस के नाम से जाने जाते हैं, ब्रीथ करती है एटमोस्फियरिक एयर को, जब ये एस्टिवेशन के बारे में आप सबने सुना होगा कि गर्मियों के टाइम में जब फिशेज क्या होती हैं वाटर में कई टाइम तक क्या करती हैं, इमरजेंस मतलब चली जाती हैं, आपने एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, फ्रॉग भी देखते हैं, फ्रॉग वगैरह हाइबरनेशन में जाती हैं। हाइबरनेशन में क्या होता है, ठंडी के टाइम में फ्रॉग चार चार पाँच पाँच महीने के लिए बिल में चले जाते हैं और वो बाद में निकलते हैं, तो उस टाइम पे फ्रॉग में स्किन उनका वर्क करता है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए। यहाँ पे फेरिंजियल डाइवर्टिकुला पाया जाता है, उनमें आपकी जो पेरियोथैलेमस है, एम्फीपनस है, चन्ना है, इन सब में क्या करती हैं, एज अ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब जब वो एस्टिवेशन में चली जाती हैं यानी कि लंबे टाइम के लिए 6-7 महीने के लिए पानी में ही रहती हैं, बाहर ही नहीं निकलती हैं। ब्रैंकियल डाइवर्टिकुला वेस्कुलर आउटग्रोथ होती है ब्रैंकियल चैम्बर की, हेट्रोपिनिस्टिस में, क्लैरियस में और एनाबास में, ठीक है, मछलियों में। एरियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह ये वर्क करते हैं। स्विम ब्लैडर्स पाए जाते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सर्विंग एज अ लंग इन सम लोअर फिशेस इज द स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर। ये स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर्स पाई जाती हैं, कुछ जो छोटी फिशेस होती हैं उनमें ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग की तरह वर्क करती हैं, ठीक। तो होपफुली ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
व्हाट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, व्हाट इज एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। प्लीज क्वेश्चन को जब पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़िएगा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछ रहा है या एसेसरी ऑर्गन पूछ रहा है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म की बात करें तो फिशेस में क्या होता है, ब्रीदिंग एंड मूवमेंट किस तरीके से होता है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन बात की जाए, बक्कल फ्लोर जो होता है इज लोअर्ड बाई सीरीज ऑफ हाइपोफेरिंगियल मसल। ड्यूरिंग जो इंस्पिरेशन होगी तो बक्कल फ्लोर क्या होगी, वो लोअर हो जाएगी। जैसे हम लोगों में क्या होता है, जब हम हमारा डोम शेप्ड का डायफ्राम होता है और ये रही कैविटी और इसमें इस तरीके से लंग, हम इंस्पायर करते तो हमारा ये फ्लैट हो जाता है। ठीक है, ये जो डायफ्राम है हमारा फ्लैट हो जाता है। तो उसी तरीके से फिशेस में क्या होता है, जब ये इंस्पायर करती हैं तो इन बक्कल फ्लोर जो होती है वो लोअर हो जाती है। ठीक है, हाइपो ब्रैंकियल मसल के साइड हो जाती है। और एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या होता है, फ्लोर इज रेज्ड बाय कॉन्स्ट्रिक्टर एंड इंटर ब्रैंकियल मसल। फ्लोर क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है जब ये एक्सपायर करती हैं, बाहर निकालती हैं। एफिशिएंसी क्या होती है, इनकी हाईली वैस्कुलराइज्ड गिल्स होते हैं जो इनके गैसेस एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक, अगर फ्रॉग की बात की जाए तो फ्रॉग में क्या होता है, इंस्पिरेशन जो होता है किसकी वजह से होता है, ड्यू टू लोअरिंग ऑफ बेकोफेरेंजियल फ्लोर। इनकी भी क्या होती है, नीचे आती है। ठीक है, किसकी मदद से, स्टर्नो हायल मसल के थ्रू। ठीक है, जबकि जो एक्सपिरेशन होता है वो एक्सपिरेशन किसकी वजह से होता है, जब इनकी टेरो हायल मसल क्या होती है, ऊपर उठती है। ठीक है, इंस्पिरेशन होगा तो इनकी बक्कोफेरेंजियल, जो इनकी बक्कोफेरेंजियल फ्लोर है उनमें स्टर्नो हायल मसल पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। और जब इनका एक्सपायरेशन होता है, हवा को बाहर निकालती हैं, तो इनकी जो टेरो हायल मसल हैं वो हेल्प करती हैं। ठीक है, मिक्स्ड इनमें एफिशिएंसी की बात करें तो मिक्स्ड एयर इंटरिंग होती है लंग्स में, लेस नंबर ऑफ एल्वियोली इनमें पाए जाते हैं। इनफिशियंसी होती है पल्मोनरी रेस्पिरेशन की विच सप्लीमेंटेड बाई बक्कोफेरिंजियल एंड क्यूटिनेरिसियस रेस्पिरेशन। अब इनमें क्या है, एल्वियोली कम है। ठीक है, एल्वियोली यहाँ पे नहीं पाई जा रही है अच्छे से, लेस नंबर में पाई जा रही है, तो इनमें क्या होगा कि लंग के थ्रू कम रेस्पिरेशन होता है। उसको सप्लीमेंट करने के लिए क्या, इनमें बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन और क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन वाली रेस्पिरेशन होती है। ठीक, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी एनिमल में अगर कोई ऑर्गन भगवान ने दे रखा है, मतलब अगर वो है इवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन के थ्रू उसको मिला है, तो वो उसको हेल्प करेगा, किसी ना किसी हेल्प के लिए मिला है। अगर बात की जाए लिजर्ड की, तो यहाँ पे बोथ इंस्पिरेशन एज वेल एक्सपिरेशन आर ब्रॉट अबाउट बाय रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल। दो तरीके की, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और आपको इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल देखने को मिलेंगी। इनमें एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन दोनों ही उन मसल के द्वारा, रिब्स और मसल के द्वारा होगा। लेस नंबर ऑफ एल्वियोली इनमें भी पाई जाती हैं। स्टे ऑफ रेजिडुअल फॉल एयर अकाउंट फॉर पुअर एयरेशन ऑफ ब्लड बाय लंग्स। ठीक है, तो यहाँ भी एयरेशन थोड़ा अच्छा नहीं होता लंग्स के थ्रू। और उसके बाद बर्ड्स में क्या होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन किसकी वजह से होती है, स्टर्नम इंटरकॉस्टल मसल और एबडोमिनल मसल की एक्टिविटी के द्वारा ही। इनमें क्या होगा, इनमें तीन चीज़ें पार्टिसिपेट करेंगी। पहला स्टर्नम मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, इसी वजह से पहले आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया गया था। कोई भी सिस्टम अगर मैं सीरीज से पढ़ा रही हूँ, इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि उसका यूज आपको हर जगह देखने को मिलेगा, बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगी। ह्यूमन का स्टर्नम अभी कुछ देर मैंने बताया है, पहले बताया है। तो स्टर्नम जो होती है वो इंटरकॉस्टल मसल्स पाई जाती हैं, और एब्डोमिनल यानी कि एब्डोमिन वाला जो एरिया है वहाँ की मसल इसमें हेल्प करती हैं। प्रेजेंस होती है, एफिशिएंसी की बात करें तो इनमें ओपन एयर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, एयर सैक्स होते हैं, रेजिडुअल फॉल एयर इनमें कम होता है। एवियन लंग्स की एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है, लेकिन एयर सैक्स की वजह वगैरह की वजह से ये इनका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक, अगर रैबिट की बात करें तो इनमें एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन किसकी एक्शन से, डायाफ्राम। यहाँ पे क्या था, स्टर्नम, हम लोगों में डायाफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल, इनकी हेल्प से, डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल की हेल्प से होती है। हम लोग मैमल्स को अगर आप देखें तो इनमें लार्ज नंबर ऑफ ब्लाइंड एल्वियोली, ब्लाइंड का मतलब इस तरीके से बंद, ब्लाइंड, ठीक, एक ओपनिंग रहेगी, ब्लाइंड एल्वियोली होती हैं। रेजिडुअल फोर
फुल एयर मेक मेमेलियन लंग्स लेस एफिशिएंट देन दोज ऑफ बर्ड्स। अब इनमें हम लोगों में क्या है, रेजिड्यूअल फुल मेम्ब्रेन फुल एयर इसमें पाई जाती है, मतलब कुछ एयर बची रह जाती है, जिसकी वजह से बर्ड के कंपेरिजन में थोड़ा सी एफिशियंसी इसकी कम होती है। सबसे ज़्यादा एफिशियंसी क्या होती है बर्ड की होती है, क्योंकि इनमें फुल एयर कुछ नहीं बचता वस्ता है, ठीक है, कोई एयर वेयर नहीं बचेगा, सब आएगा अंदर सब बाहर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। बाकी जहाँ भी रेजिडुअल फुल एयर बच रहा है जैसे आपके लिजर्ड में, तो वहाँ भी थोड़ी एफिशिएंसी कम है, हम लोगों में भी कम है एफिशिएंसी, लेकिन बर्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा है लिजर्ड से। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन पढ़ सकते हैं। ये रहा लंग्स, इस तरीके से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से एयर, मान लीजिए ये वाटर का बताया गया है कि ऑक्सीजन आएगा लंग्स में, गैसेस एक्सचेंज करेगा, फिर ये बाहर चला जाएगा सेम नोज वाले एरिया से, नेयर से, ठीक है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन में इन मतलब अंदर की तरफ, एक्सहेल का मतलब बाहर की तरफ। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, रेस्पिरेटरी आपके कॉमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ा कि क्या क्या टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कैसा है किसमें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कैसे एयर पास होता है, नेजल चैम्बर का क्या काम है, ग्लॉटिस लैरिंग्स सेरिंग्स क्या क्या काम है इसका, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में हमने पढ़ा जिसमें हमने गिल्स, उसके बाद से लंग्स, फिर लंग्स से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा, फिर एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ा, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमने कई सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा, जैसे कि स्किन लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम, यॉर्क सैक, एंडेलेंटॉइस, क्लोकल ब्लैडर्स, कई सारे ऑर्गन पढ़ा। फिर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म पढ़ा, किस तरीके से ब्रीदिंग और मूवमेंट होता है, क्या क्या ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं आपके बेसिकली ब्रीदिंग और मूवमेंट में, और कितनी किसके लंग की एफिशिएंसी है ऑक्सीजन को लेने की और देने की, मतलब रेस्पिरेशन की। तो होपफुली पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, देन आप मैसेज कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम जरूर देखी जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू एवरीवन।